प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले जहां एक और नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर निगम सभा व्यवस्था में जुटी है, ऐसे ही इसी क्रम में यहां जो है फलोदी नगर परिषद के सभापति पन्नालाल पहलवान द्वारा यहां की नालियों और बड़े नालों का मरम्मत कराने के साथ ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और सफाई कार्य करवाया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक सराहनीय कार्य के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहां के निचले हिस्से, यहां के नदी के क्षेत्र में पानी भर जाता है, घर तो घर यहां के वाहन और आवाजाही बाध्य हो जाती है बारिश के समय। हम दिखाएंगे आपको कि ये जो है वो नालों का निर्माण कार्य जो चल रहा है, सफाई व्यवस्था चल रही है, और यहाँ सफाई व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर जो है वो नए नाले बनाने का काम भी चल रहा है। हालांकि यहाँ कुछ लोग हैं, उनका तो कहना है कि ये लंबे समय से ये कार्य शुरू हुआ है, लेकिन जैसा भी है अब काम जो है वो अपने प्रगति पर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इसमें बात करेंगे और हम आपको आगे का और भी दिखाएंगे कि कितना कुछ कार्य चल रहा है। ये कब से चल रहा है काम? ये काम तो अभी दो महीना हो गया चालू ही है, और पन्नालाल जी बहुत ही अच्छे इधर चेयरमैन हैं। अभी 20 साल से ये बंद ही पड़ा था, कीचड़ कादा हो रहा था, तो अभी ये पन्नालाल जी ने शुरू करवाया। और ये नालों से जब बारिश आती है तो गाड़ियाँ चली जाती है, छोटे मोटे जीव जंतु है वो मर जाते हैं और लोगों के घर डूब जाते हैं, लेकिन ये काम पन्नालाल जी करवा रहे हैं। पन्नालाल जी बहुत ही हलोदी के लिए अच्छे चेयरमैन है, और ऐसे ही आदमी होना चाहिए। ऐसे ही आदमी की जो है वो ज़रूरत है नगर परिषद को, नगर निगम को। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे कितना कुछ फ़ायदा होता है ऐसे नालों की सफाई से, और अभी जो चल रहा है काम वो इससे पहले कब किसने करवाया था? ये 20 साल पहले ये नाला का निर्माण हुआ था, और निर्माण के बाद अभी 20 साल बाद पहली बार इस नाले में टच हुआ है, कोई कार्य की प्रगति हुई है यहाँ पे। और 20 साल बाद ये जो भी सफाई हो रही है वो भी हो रहा है। इतने साल में यहाँ पे किसी ने कोई ध्यान दिया है नहीं दिया? 2 महीने हो गए लगभग, पर उसमें भी 4-5 बार आके निरीक्षण भी करते हैं ये लोग, और बहुत ही सराहनीय काम है, सराहनीय कार्य है। और खुद स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं नगर निगम, नगर परिषद के सभापति पन्नालाल पहलवान। हमारे साथ कुछ और यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये इससे पहले जो निर्माण कार्य हुआ है वो उसके बाद लंबे समय से जो निर्माण कार्य हुआ है ये अभी, हाँ 20 साल से नाड़ा दट्टा हुआ था। उनके बाद अभी पहलवान साहब ने 5 ट्रैक्टर 2 GCB लगाकर पूरे नाले की सफाई, कादा कीचड़ हो रहा था उस पूरा भरा के फोर्ट स्कूल से लगाकर शमशान भूमि तक पूरा नाड़ा कराएगा पहलवान साहब। बिल्कुल, नगर निगम द्वारा, नगर परिषद द्वारा जो ये कार्य करवाया गया है वो अपने आप में सराहनीय है। और मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि ये जो है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक जो है फोर्ट स्कूल से, जो फोर्ट है किला, उससे लेकर ब्रह्मबाग तक का जो ये, हाँ, और आगे का कार्य जो है वो लंबे समय से चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, और उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भर जाता था, और अब जो है ये समस्या का समाधान यहाँ हो पाएगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये जो है बारिश ये कितने देर तक चलती है और ये कब आएगी। हालांकि इसके बाद ही पता चल जाएगा कि सफाई व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो पाई है। कैमरा पर्सन दीपक व्यास के साथ SB राजू व्यास, राजस्थान कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।